मुरादाबाद में लॉकडाउन के दौरान शहर के कुछ इलाकों को राहत मिली है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर जिंदगी पटरी पर धीरे धीरे लौट रही है। मुरादाबाद में आज भी हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। सड़कें सूनी पड़ी हैं और पुलिस सभी क्षेत्रवासियों को घरों में रहने के लिए अपील करती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना महामारी के खात्मे के लिए पुलिस सभी से सहयोग की अपील करती हुई दिखाई दे रही है। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र अंतर्गत करगुला के सभी इलाकों को सील कर दिया गया और सभी आने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्यवाही भी की जा रही है। इलाकों में जाने वाले सभी व्यक्तियों के नाम पता नोट किया जा रहा है। जहां मुरादाबाद में लॉकडाउन के दौरान कुछ एरियों में छूट दी गई है। मैं मुरादाबाद के यहां दसराय पुलिस चौकी के पास खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं ये रेड अलर्ट घोषित है एरिया। यहां से बिल्कुल वही आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं जो नगर निगम के कर्मचारी हों या फिर स्वास्थ्य कर्मी हों या फिर उन लोगों को अनुमति दी जा रही है जो लोग जनसेवा में लगे हैं। किसी प्रकार देखिए यहाँ लिखा है कोरोना संभावित क्षेत्र, जिसके चलते अब किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वही व्यक्ति अंदर जा रहा है यदि जिसे कोई बहुत ज़रूरी काम हो, मगर उसमें एक बात रखी गई है कि वो नाम पता यहाँ पर दर्ज कराकर जाएगा। एक रजिस्टर यहाँ पर रखा गया है जिसमें जो व्यक्ति अंदर जाएगा उसका नाम पता फ़ोन नंबर यहाँ पर दर्ज कराया जा रहा है, ताकि कोई समस्या हो तो उसको अगले दिन उससे पूछा जा सके वो कब आए थे, कैसा है, उसका डाटा जो है यहाँ पर पुलिस के पास रहना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, बहुत सख्ती के साथ पालन कर रहे हैं। सर, इन बातों को यहाँ ध्यान रख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर अनावश्यक कोई भी व्यक्ति अंदर ना जाए। कोई बीमार है, अत्यधिक उसके इमरजेंसी मामला है, अपना नाम पता नोट कराएगा, उसके बाद अपने गंतव्य को जाएगा और वापस आना है, पुनः अपनी वापसी कराएगा। मैं सकुशल वापस आ गया हूँ। कैसा अंदर यहाँ से लेकर कहाँ तक आप ये सख्ती पूरी कराई जा रही है? यहाँ से कोहिनूर तराहा तक बिल्कुल भी हॉटस्पॉट एरिया है, कोई भी अनावश्यक व्यक्ति इसके अंदर नहीं जाएगा। जैसे इन्होंने बताया कि हॉटस्पॉट एरिया है, किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है और वही व्यक्ति अंदर जा रहा है जिसे कोई ज़रूरी काम हो, जो जनसेवा में लगे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिसकर्मी हो या फिर नगर निगम के कर्मचारी हो, उनके अलावा यदि कोई अंदर जाता है तो उसका नाम पता यहाँ रजिस्टर में दर्ज कराया जाता है, ताकि पुलिस को पता लगे कि अंदर कौन सा व्यक्ति जा रहा है, वापस लौट कर आए तो उसका यहाँ पर नाम दर्ज हो। यदि ऐसी कोई समस्या होती है तो उन पर नाम उसमें दर्ज कराया जा सके। और यहाँ पर देख सकते हैं हम नागरिक सुरक्षा कोर के एक स्कैनिंग मशीन लेके घूम रहे हैं जो सबकी स्कैनिंग कर रहे हैं, और इस बात का क्योंकि वो चाहते हैं कि जो जनसेवा में लोग लगे हैं वो भी स्वस्थ रहने चाहिए, वो स्वस्थ रहेंगे तो हम सब एक कोरोना महामारी की जंग को खात्मा कर सकते हैं। तो नागरिक सुरक्षा कोर के ये डिप्टी चीफ वार्डन हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट जो लगातार सभी की स्कैनिंग यहाँ पर कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। लगातार यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहें, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर ना हो। अपने सहयोगी आलम अब्बासी के साथ काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद। मुरादाबाद में ज़रूरतमंद लोगों को खान पान की सामग्री वितरित करने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के सभी स्वयंसेवक के साथ मिलकर डिप्टी चीफ वार्डन हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट लगातार शहर के सभी इलाकों में पहुंचकर खान पान की सामग्री वितरित कर रहे हैं। शहर के इस्लाम नगर, सर सैयद नगर, आज़ाद नगर, शिवपुरी, अहमद नगर, जाहिर नगर के साथ सभी करूला के क्षेत्रों में ज़रूरतमंद लोगों को खान पान के किट वितरित की गई। 1000 से अधिक सभी लोगों को ये किट वितरित कराई गई, जिसमें 2 सप्ताह का राशन बताया जा रहा है। साथ ही नागरिक सुरक्षा कोर के डिप्टी चीफ वार्डन हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट एवं नागरिक सुरक्षा कोर के ADC गुलाम नबी ने सभी लोगों को स्वास्थ्य संबंधित बातों को बताया। सड़क पर घूम रहे लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। स्थानीय निवासियों को मास्क वितरित करने के साथ जनसेवा में लगे पुलिस कर्मियों को भी मास्क वितरित किए गए। साथ ही नजमुल इस्लाम एडवोकेट ने स्वयं अपने हाथों में मशीन द्वारा सभी का टेम्परेचर नापने का काम किया। जनसेवा में लगी सभी लोगों की सेहत ठीक रहेगी तो हम जनता की सेवा में लगेंगे और इस महामारी के खात्मे के लिए और लगन से काम करेंगे। भाई, हमारे ये सिविल डिफेंस साहब जी नजम भाई जो हैं काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और मैं इनकी बहुत खुशगुजार हूँ कि ये काफ़ी लोगों की मदद करें। यहाँ पर कम से कम 1000-1500 आदमियों का सब कुछ अपना कच्चा राशन वगैरह सभी उन्हें बांटा है और करो जी, मैं खुद यहाँ का खुद रहने वाला हूँ और मैं इनका खुद जाता हूँ और देखा है मैंने, ये अच्छी मदद करें काफ़ी लोगों की है। हर चीज़ से किसी चीज़ से वो नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे समय पे कौन व्यक्ति सब लोग आ गए हैं? क्या मैं ये कहता हूँ जिसमें हम लोग सब जैसे निरातक लोग हैं, हम लोग इनके सामने आना, साथ में आना चाहिए और आ भी रहेंगे साथ, काफ़ी लोग इनके साथ आ रहे हैं, इसमें सहयोग देना चाहिए सबको। आज के इस कार्य में EPCHK का डायरेक्टर जनरल राकेश कुमार, नवेदुर रहमान, अवधेश अग्रवाल, नीरज खन्ना, चेयरमैन यश कमल, सोनी, जुबैर अहमद, शहजाद परवेज आलम ने इस कार्य में अपना योगदान दिया।
साथ ही आगे भी ये विश्वास दिलाया कि हम नजमुल इस्लाम एडवोकेट के इस मुहिम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करेंगे। इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा कोर के मोहम्मद वसीम अंसारी, सिकंदर हुसैन, वसीम अख्तर, मोहम्मद शादाब, अहमद फहीम आलम। जी चीफ साहब, आप किन्हीं इन बातों का ध्यान रख रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, आज से मैंने स्कैनिंग शुरू की है जो कि हमारा टेम्परेचर बताएगी, और ये मशीन मेरे हाथ में है। जितने भी सिविल डिफेंस के सभी वार्डन्स हैं जो अभी लगातार ड्यूटी पर काम कर रहे थे, उसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे पुलिस अधिकारी जो चौराहे पर खड़े हैं उनके साथ, मैं उनको भी स्कैनिंग कर रहा हूँ, उनका टेम्परेचर देख रहा हूँ कि उनका टेम्परेचर सही है, किसी बात की शिकायत, बुखार वुखार की शिकायत तो नहीं है। और उसी के साथ साथ मैंने आज ये देखा, दस सराय पुलिस चौकी से लेकर कोनूर तराय तक पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सब लोग घर के अंदर हैं और जितने भी अधिकारी हैं वहाँ पर उसको नोट कर रहे हैं, रजिस्टर पर नोट कर रहे हैं। और जो हमारे सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज हैं दस सराय चौकी के, वो भी बड़ी अच्छी व्यवस्था में लगे हुए हैं, और कोनूर तराय तक बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और मेरे सिविल डिफेंस के सभी वार्डन पूरा सहयोग दे रहे हैं पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर। आज मैं आज़ाद नगर से मैंने शुरू किया, जिसको पहले सबसे मैंने वहाँ पर आज़ाद नगर 50 परिवारों को, जो बिल्कुल गरीब परिवार थे, डोर टू डोर जाकर मैं उनको राशन की किट दिए। उसके बाद मैं रहमत नगर के अंदर मैंने 50 किट दिए, उसके बाद गली नंबर 3 में, गली नंबर 5 में, इस तरह सीतापुरी ये सामने है, यहाँ पर भी कुछ इलाके में मैंने किट बांटी हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे बढ़िया मैंने ये देखा कि यहाँ पर मेरे सिविल डिफेंस के वार्डन जो हैं लगातार ड्यूटी पर बिल्कुल बने हैं, और मेरे सहयोगी गुलाम नबी जो मेरे साथ हैं वो भी बराबर मेरे साथ चल रहे हैं। इसी के क्रम में मैं आगे की कार्रवाई भी आगे चलता रहूँगा और करूँगा। जैसे इन्होंने बताया कि लगभग करूला क्षेत्र में इन्होंने कम से 200 से 250 परिवार को जो है राशन की किट बांटी है, जिसमें ये 2 सप्ताह का राशन बताया जा रहा है। गुलाम नबी साहब, ये व्यवस्था आपकी कब तक क्या है? ये हमारे डिप्टी चीफ वार्डन साहब श्री नजमुल इस्लाम जो हमारे साथ में रात दिन लगे हुए हैं 23 मार्च से, और उनका कहना है कि लगातार ये जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक गरीबों की सेवा में लगे रहेंगे। अभी तक कितनी किट आप बांट चुके हैं? मैं समझ रहा हूँ 12-15 हज़ार किट हम लोग बांट चुके हैं। आगे भी यही आशा? बिल्कुल बिल्कुल बांटते रहेंगे। जैसे गुलाम नबी साहब ने कहा कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी उसका निदान करने के लिए हम लोग साथ रहेंगे, हम चाहेंगे ऐसे ही वो कार्य करते रहें। अपने सहयोगी आलम अब्बासी के साथ काशिफ खान, सिटी चैनल, मुरादाबाद।